नमस्कार साथियों, आज मैं ईपीओ के जो एग्ज़ाम हो रहा है उसकी तैयारी करेंगे। उसका तीसरा भाग मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के रूप में, सूचना का अधिकार अधिनियम मैं आपको पहले एक बार पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव पे आता हूँ कि उसमें क्या क्या मुख्य रूप से पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको एक डिटेल में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये सूचना आयोग से एग्जाम ही नहीं, एग्जाम के बाद भी आपके काम आएगा और लगातार काम आएगा, चाहे आप एग्जाम पास करिए या ना पास करिए। पहले हम समझते हैं, ये 15 जून 2005 का वो है। प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का प्रबंधन करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। अब इसका विस्तार में दिया गया है, भारत के संविधान ने लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की है और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है जो उसके कार्यकारण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और सरकारों तथा उसके परिकरणों के शासन के प्रति उत्तरदायित्व बनाने के लिए यह अनिवार्य है। और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से समता अन्य लोक हितों जिसके अंतर्गत सरकारों के दक्ष प्रचालन, सीमित राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखना के साथ विरोध हो सकता है। और लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाए रखते हुए इन विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है। अतः अब यह समीचीन है कि ऐसे नागरिकों को कतिपय सूचना देने के लिए जो उसे पाने के इच्छुक है उपबंध किया जाए। भारत गणराज्य के 56वें वर्ष के संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियम यह अधिनियमित है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये अधिनियम का उद्देश्य, जिस तरह से भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसी तरह से इसकी भी एक प्रस्तावना है जो मैंने आपको पढ़ के बताया, कि ये जो है बोला गया है कि जो राज्य हैं या जो लोक सेवक हैं उनका उत्तरदायित्व तय करने के लिए, ये जो सूचनाएं हैं जो भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनी है या जो काम किया जाएगा, आम पब्लिक जो वोट देता है उसको सूचना पाने का हक है, वो इसी अधिनियम के तहत दिया गया है। उसके अलावा ये भी बोला गया है कि संवेदनशील सूचनाएं की गोपनीयता बना रखना भी, मतलब प्रत्येक सूचना आपको सूचना अधिकार अधिनियम के तहत नहीं जी सकती है, इसके साथ विरोध हो सकता है। मतलब एक तरह से हम कह रहे हैं कि सूचना पाने का अधिकार सबको है, लेकिन दूसरे में बोला गया कि संवेदनशील सूचनाएं इसमें नहीं दी जा सकती हैं, मतलब दोनों आपस में विरोध है। लोकतंत्रात्मक आदर्श प्रभुता बनाए रखने के लिए विदेशी हितों के बीच, मतलब कहने का हर चीज, दोनों चीज इसमें तालमेल भी बनाना है कि मतलब देश की संप्रभुता, राज्य के अपने अधिकार, जो भी चीजें इस तरह से छिपाने योग्य हैं जो कि गोपनीय हैं वो नागरिकों को नहीं दी जाएंगी। अब हम इसके एक एक अधिनियम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले लिखा है कि यह इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, ठीक है। फिर समुचित सरकार जो आप पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई वो नहीं है। उसके अलावा एक शब्द आता है सीपीआईओ। सीपीआईओ जो कि हम लोग मुख्य रूप से उपयोग करते हैं, ये हम लोग जो कहते हैं चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जबकि चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नहीं होता है, इसका प्रभाव होता है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, और स्टेट के लिए होता है एसपीआईओ, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, राज्य लोक सूचना अधिकारी। ये हम लोगों को समझना है, जैसे किसी तरह से एक और है सीआईसी। सीआईसी का मतलब होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और सीसीआईसी होता है चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। स्टेट का होता है एसआईसी या सीएसआईसी। हम लोग नॉर्मली समझते क्या है, सीआईसी का मतलब है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जबकि सीआईसी का फुल फॉर्म चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं होता है, क्या होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर।
ठीक है, नॉर्मल लोग आईसी बोलते हैं इस उसके लिए। ये इसकी डिफिनेशन दिया गया है। अब हमें जो सबसे ज्यादा इस सूचना के बारे में पढ़ना है कि सूचना कहते किसे हैं। ये सूचना अधिकार अधिनियम 2005 है, इसमें बोला गया है सूचना चाहिए हमें, पर सूचना किसे कहेंगे, सूचना क्या है, उसके बारे में ये नियम दो कच्चा है, या 2F इंग्लिश में बोलते हैं, 2F में आपका स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए इंग्लिश का भी वर्जन साथ साथ रखे हुए हूं, 2F या 2C, ठीक। हम इसके बारे में पढ़ते हैं, सूचना क्या है, किसे सूचना बोलेंगे आप। सूचना से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित जिस तक तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है। इसका मतलब यह है कि सूचना के तहत हम किसको मानेंगे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई दस्तावेज हो, ज्ञापन हो, ईमेल हो, ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बाद ये भी बोला गया कि विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, मतलब कहने का कि जो पब्लिक के लिए उपलब्ध हो, पब्लिक के काम की हो, किसी की गोपनीयता या किसी व्यक्तिगत मतलब हितों को चोट न पहुंच रही हो, तो उसको इस सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दिया जा सकता है। मतलब प्रत्येक जो हमें दिखने वाली चीज है या इस रूप में उपलब्ध है वो सूचना नहीं है, सूचना के लिए होना चाहिए कि उसका पब्लिक इंटरेस्ट, अब मेरे घर में क्या सामान है उससे पब्लिक से मतलब नहीं है, लेकिन जब गवर्नमेंट की बात आती है कि आपके उस जो ऑफिसर्स हैं या वो हैं तो उनको उन्होंने क्या सामान खरीदा है, यदि वो पब्लिक के लिए उपलब्ध है या संबंधित आपका जो है IPR उपलब्ध है तो उसको दिया जा सकता है, लेकिन निजी जानकारी मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, कहाँ खाता हूँ, या मेरे अपने व्यक्तिगत ईमेल हैं, वो सारी चीज़ें मेरी हैं, इससे किसी पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं है, पब्लिक को कोई मतलब नहीं है, वो सारी चीज़ें नहीं दी जा सकती हैं। कहने का मतलब है सूचना के बारे में व्यापक रूप से इसमें दिया गया है, लेकिन कोई भी चीज़ जो अधिनियम में दिया गया है वो एक रूप होता है, इसके बाद कोर्ट होती हैं, कोर्ट उसको इंटरप्रेट करती हैं, उसमें समय समय पे अलग अलग उसके तथ्य निकाले जाते हैं, तो आप उसके आधार पर भी इसका विस्तार रूप आपको पढ़ना पड़ता है, सिर्फ इसके आधार पे ही आप ये जो लिखा हुआ है सूचना से ही आप पूरे तथ्य नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ये आपको समझना है, इसके आधार पर सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। अभिलेख किसे कहते हैं, रिकॉर्ड्स, ठीक है, रिकॉर्ड किसे कहते हैं, कोई दस्तावेज, पांडुलिप और फाइल, किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशे और प्रतिकृति, ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निहित प्रतिबिंब या प्रतिबिंबों का पुनरुद्धान चाहे वर्धित रूप में हो या न हो, किसी कंप्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्त द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री, मतलब ये सारी चीजें आपके अभिलेख में आती हैं। मैं इंग्लिश में भी एक बार पढ़ देता हूं, रिकॉर्ड्स में क्या होता है, एनी डॉक्यूमेंट्स, मैन्युस्क्रिप्ट एंड फाइल, एनी माइक्रोफिल्म, माइक्रोचिप एंड फिस्माइल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एनी रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज और इमेज embodies in such microfilm whether enlarged or not, any other material produced by a computer or any other device, इसको हम जो है ये जितनी भी चीजें हैं ये रिकॉर्ड
इनको कहते हैं रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड उपलब्ध है तो रिकॉर्ड में इनको हम लोग इस चीज मानेंगे अभिलेख, किसे अभिलेख कहेंगे, उसकी भी डिफिनेशन इसमें दी गई है। धारित अभिलेख लिखा हुआ है ना, धारित अभिलेख दस्तावेज, उसकी भी यहां पे डिफिनेशन दी गई है। सूचना का अधिकार, इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अप्रेत है, इसमें निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित है। कृत्य दस्तावेजों अभिलेखों का निरीक्षण, कोई भी दस्तावेज है उसका निरीक्षण किया जा सकता है। दस्तावेजों या अभिलेखों की टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रति, यदि वो जो इसका आपको निरीक्षण किया जा सकता है, उसकी आप कॉपी भी ले सकते हैं यदि पब्लिक के लिए उपलब्ध है। जैसे मैंने आपसे पहले बताया था कि जो आरटीआई के तहत है तो उसको आप दे सकते हैं, उसको अलग अलग उसमें तथ्यों में आपको आरटीआई से डिसाइड करना पड़ेगा कि आरटीआई के तहत सूचना आती है या नहीं आती है। सामग्री के प्रमाणित नमूने, ये चीजें आपको मैंने बोला कि हम मैं पढ़ा रहा हूं, जो आपको समझा रहा हूं, ये आपको याद करना है कि ये चीजें किस धारा में लिखी हुई हैं, किस सेक्शन में लिखी हुई हैं। ये आपको 2I में रिकॉर्ड्स है, 2F में आपको इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। उसी तरह से राइट ऑफ इंफॉर्मेशन 2J में इसमें डिफिनेशन दिया गया है कि किसको किसको राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत है। तो कहने मतलब ये आपको जो इंफॉर्मेशन की जो डिफिनेशन हैं या किस सूचना या किस धारा के अंतर्गत आती है, ये आपको याद करना है, ये चीज आता है। 2F में क्या क्या नहीं है, क्या क्या शामिल है, या 2I में या 2J में, इसके बारे में आपको ये पढ़ना है। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं 2I में सूचना अधिकार, कि इस अधिनियम के अधीन योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अप्रेत है और उसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है। नंबर 1, कृत्य दस्तावेज अभिलेखों का निरीक्षण, दस्तावेजों या अभिलेखों का टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीत में या प्रिंटआउट के माध्यम से सूचना, जहां ऐसी सूचना किसी कंप्यूटर या किसी यंत्र युक्त में भंडारित है, अभिलेख प्राप्त करना है। मतलब ये सारी चीजें आपको आरटीआई के तहत मिल सकती हैं, लेकिन संबंधित आपको ये सिद्ध करना होगा या आपको इस बताना होगा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है और पब्लिक के लिए उपलब्ध है। उसके अलावा और सारी डिफिनेशनें दी गई हैं। ठीक है, अध्याय में जो लिखा है सूचना अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं, सूचना अधिकार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। मतलब कहने का कुछ अपबंध होंगे, कुछ चीजें ऐसी रहेंगे जो नहीं दी जा सकती, उसके अलावा नागरिकों को सूचना दी जाएगी, ये मतलब इसमें बोला गया है। लोक प्राधिकारी की बाधाएं, प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को समग्र रूप में सूचीपरित और अनुक्रमांकित ऐसे रीत के रूप में रखे जो इस नियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित है, युक्त समय के भीतर और संसाधनों को उपलब्धता के अधीन रहते हुए कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश के नेटवर्क के माध्यम से संबंधित जिससे एक अभिलेख तक पहुँच को सुकर बनाया जा सके। मतलब अनेक लोक प्राधिकारी की जिम्मेदारी है कि दस्तावेजों को अपडेट रखें और जितनी जो उसके पास संसाधन है उनको कंप्यूटरीकृत कर सकता है तो कंप्यूटरीकृत करें, जिससे कि प्रत्येक नागरिक को जिसको कि ये सूचना का अधिकार दिया गया है वो उसको देख सके और उसकी वो पहुंच में हो। ऐसा नहीं है कि ऐसी जगह पर रखा हुआ कि लोग समझ नहीं पा रहे, लोगों को मिल नहीं रही सूचना, तो ये सारी चीजें उनको बाहर रखनी है और लोगों की पहुंच तक होना चाहिए। ठीक है, एक 4.1 इस अधिनियम के 120 दिन के भीतर, ये 4.1 जिसे हम लोग बोलते हैं, आप वेबसाइट पे पढ़ेंगे या बहुत सारे जजमेंट पढ़ेंगे कि 4.1 के तहत आपको जितनी बहुत सारी सूचनाएं हैं 120 दिन के अंदर आपको वेबसाइट में या बाहर ऐसी सारी चीजें आपके नेटवर्क में आपको उपलब्ध होनी चाहिए। उसके बारे में पूरा जो है दस्तावेज ये लिखा हुआ है कि कौन कौन से सूचनाएं हैं जो वेबसाइट में डालनी अनिवार्य है, जिससे कि लोग
कम से कम आरटीआई का उपयोग करें और उनको सूचनाएं आरटीआई एक्ट के तहत ही बिना मांगे वो सूचनाएं उपलब्ध हो जाएं। ये पूरी इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा एक एक 41B जो आप लोग पढ़ते हैं। 41B क्या है? तो 41B यही है, इसमें लिखा हुआ है फोर प्रेरकारी, और इसमें लिखा है कि इस अधिनियम के 120 दिन के भीतर उनके संगठन क्या है, उनके क्या कार्य, उनके प्राधिकारी क्या, उनकी शक्तियां क्या हैं, मतलब पूरा इसमें दस्तावेजों के बारे में पूरा डिटेल लिखा हुआ है। एनसीआर की वेबसाइट में भी सारी चीजें उपलब्ध हैं। फोर वन बी का जो भी आप पूरी डिटेल पढ़ लीजिए, 41 का फोर जितनी चीजें और हैं। लोग सूचना अधिकारी का पदनाम, यहाँ पर जो है आरटीआई अधिनियम की जो धारा 5 है इसमें लोक सूचना प्राधिकारी का पदनाम के बारे में परिभाषित किया गया है। यदि आपसे पूछें कि सीपीआईओ या कौन नामित मतलब नामित नेशन के संबंध में इस अधिनियम की कौन सी धारा में आता है, तो आप बताएंगे 5। प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम के 100 दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एकके उसके अधीन कार्यालय में यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, उसका नियम 5 के 2 उपधारे को बंदी करके प्रतिकूल डाले बिना प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम के 100 दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर पर या अन्य उप जिला स्तर पर यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना आयुक्त अधिकारी या केंद्रीय राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना या धारा 19 को धारा 1 अधीन विधित वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय लोक सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग भेजने के लिए पदा विनित करेगा। मतलब कहने का यहाँ पर यह बोला गया है कि जो सीपीआईओ है केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी जो है वो अपने लिए एक जो है सहायक लोक सूचना अधिकारी को नामित करेगा। ठीक है, जहां जैसे भी है जो भी स्थित, ताकि वो उसका कार्यभार देख सके, उसके बारे में ये बोला। बहुत सारे लोग पूछते हैं तो आपको इस चीज का जवाब यहाँ पर देना है। परंतु जहां सूचना या अपील के कोई आवेदन रहती है तो केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या अधिकारी किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहां धारा 7 के उपधारा 1 के अधीन उत्तर के अवधि अगले 5 दिन की अवधि। यदि कहीं पर आपसे संबंधित नहीं है, आपने दूसरी जगह दूसरे लोक सूचना आयोग को या सहायक लोक सूचना आयोग को ट्रांसफर किया है, वहां पर 5 दिन की अवधि जुड़ जाती है। ये 5 दिन की अवधि क्या होती है, अभी मैं इसको आपको बाद में बताऊंगा। यथा इसे प्रत्येक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोध पर कार्रवाई करेगा। ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के युक्त सहायता प्रदान करे। जो कोई यदि मांग करता है कि मुझे सूचना चाहिए, तो यहाँ पर केंद्रीय लोक सूचना आयोग इस नियम के तहत उसकी मांग को जो भी होगी सहायता प्रदान करेगा, उसकी सूचना को उपलब्ध करवाएगा। 4 यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा जिसे निकट समुचित निर्वाचन के लिए आवश्यक हो। ठीक है, नियम संख्या 5 के 4 में भी बोला गया है कि दूसरे की सहायता के लिए एक एपीआईओ की मांग कर सकता है या और अन्य लोगों की मांग सकता है, जितने अधिकारी की जरूरत है उसको उसकी जो है मांग करेगा। 5 कोई अधिकारी जिसकी उपधारा 4 के अधीन सहायता चाहिए, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य को भी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों को किसी उल्लंघन के प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारी को यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी राज्य सूचना अधिकारी को समझा जाएगा। यदि इस नियम का कोई उल्लंघन करता है या कोई ऐसी दिक्कतें हैं या सहायता प्रदान, मतलब जो है एपीआईओ को भी सीपीआईओ के रूप में ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो जो है जो हम तो सहायता कर रहे थे हम नहीं, उसको भी वही जो है पावर दी गई है और उसको भी वही सजा भी मिलेगी। सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध, नियम संख्या 6 इसके तहत बोला गया कि कोई कर्मचारी आवेदन कैसे करेगा उसके बारे में है।
कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अपराध करना चाहता है लिखित में इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिंदी या क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जाए राजभाषा की ऐसे फीस के साथ जो विहित की जाए, मतलब कहने का कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप में या हाथ से हिंदी अंग्रेजी या उस क्षेत्र की भाषा जहाँ पे हो वहाँ पर जो है आप जो है निर्धारित जो फीस है उस फीस के साथ आप जो है वहाँ पर जमा कर सकते हैं, सूचना मांग सकते हैं आवेदन देकर। संबंधित लोक प्राधिकारी की यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक अधिकारी तो उसके द्वारा मांग करने अनुरोध करेगा, मतलब APIO या CPIO के नाम से आवेदन करेगा और उसको जो है वहां पे पहुंचा के जो है दे देगा। सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या अन्य किसी व्यक्तिगत ब्यूरो के सिवाय उसके संपर्क करने के लिए आवश्यक देने की अपेक्षा नहीं है। सूचना क्यों मांग रहा है, किस कारण से और कहाँ रहते, मतलब बहुत सारी चीजें उसको ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। ये उसे संपर्क करना, जैसे उसका एड्रेस है, मोबाइल नंबर दे रहा है तो वो दे सकता है, क्योंकि आपको चिट्ठी भेजनी है वो और उसका और व्यक्तिगत विवरण की जरूरत नहीं है यहाँ पे देने की। यहाँ कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसे सूचना का अनुरोध करते हुए किया जाता है जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है या जिसकी विषय किसी अन्य प्राधिकारी के कृत्यों के निकट से संबंधित, वो ऐसे इसको ऐसा आवेदन किया जाता है या ऐसे आवेदन किसी भाग जो समुचित लोक प्राधिकरण के लिए बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगा। मैंने जैसे आपसे पहले बताया था 5 दिन पहले, उसमें यही है कि यदि धारक किया जाएगा किंतु किसी भी तरह से आवेदन के प्राप्त की तारीख से 5 दिन के पश्चात नहीं किया जाएगा। मैंने आपसे बोला कि हमने कोई ऐसी सूचना मांग ली जो कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास यदि ऐसा एक उदाहरण समझिए, प्रयाग डिवीजन में किसी ने ऐसा मतलब प्रश्न या ऐसी सूचना मांगी जो रेलवे बोर्ड से संबंधित है या सेंट्रल रेलवे संबंधित है या दूसरे संबंधित है, तो यहाँ के CPIO का दायित्व है कि उस सूचना को वो 5 दिन के अंदर दूसरे CPIO को ट्रांसफर कर दे। 5 दिन को समझने लगेगा किसका है क्या नहीं, जो भी चीजें हों, मतलब 5 दिन का समय दिया गया है कि आप जो है संबंधित CPIO को आप 5 दिन के अंदर ट्रांसफर कर दे और इसकी सूचना जो आवेदक है उसको दे दें। नियम संख्या 7 अनुरोध का निपटारा, इसको आपको पढ़ने की जरूरत है, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। धारा इसका 1 है, 7 का 1, धारा 5 की उपधारा 2 के परंतु या धारा 6 की उपधारा 3 के परंतु के अधीन रहते हुए धारा 6 के अधीन अनुरोध को के प्राप्त होने पर यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथासंभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध के प्राप्त के 30 दिन के भीतर ऐसी फीस के संध्या पर जो विहित की सूचना उपलब्ध कराया गया या धारा 8 और धारा 9 के विशेष कारणों के कारण अनुरोध को अस्वीकार करेगा। इसमें बोला गया है कि जैसे मैंने बोला कि एक निश्चित फीस है जो कि सामान्यतः 10 रुपये है और BPL वालों के लिए कोई भी फीस नहीं लगती है, तो उस सूचना के जैसे उसको प्राप्त हो जाएगी CPIO को उस 30 दिन के भीतर उस सूचना को उपलब्ध करवाएगा या धारा 8 और 9 में लिखा हुआ है कि उसके तहत तो उसको अस्वीकृत कर देगा, उसको अभी हम 8 और 9 धारा को बाद में पढ़ेंगे। परंतु जहां मांगी गई सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है वहां अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर उपलब्ध करवाई जाएगी। सामान्यतः RTI का जवाब 30 दिन के भीतर या जो ट्रांसफर करना होता है 35 दिन के दूसरे को या ऐसे समझिए कि जीवन मरण से कोई संबंधित है और कोई आवेदन लाता है CPIO के पास, तो CPIO उसको तुरंत डिसाइड करेगा कि 48 घंटे के भीतर उसको सूचना उपलब्ध हो। इस जो है CPIO के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि कोई ऐसी सूचना जिससे कि कोर्ट या कोई ऐसी चीज मांगी गई है या ऐसी चीजें जिसको CPIO को लगता है कि 48 घंटे के भीतर सूचना दी जानी चाहिए, उसको अपना इंटरप्रिटेशन करके उसको डिसाइड करके तुरंत जो है 48 घंटे के भीतर दी जा सकती है, उसको 30 दिन के लिए रोकना नहीं है। यदि यथास्थिति लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी के अधीन भीतर अनुरोध को निश्चित करने में असफल रहता है तो यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में समझा जाएगा उसके अनुरोध को नामंजूर कर दिया है।
यदि असफल रहता है तो अनुरोध को नामंजूर कर दिया है और जो भी नियमानुसार हो देखा जाएगा। और जहां सूचना उपलब्ध कराने की लागत रूप में किसी फीस या संजाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चित किया जाए, वहां यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को, यदि कहीं ऐसा लगता है कि हमने कोई दस्तावेज मांगा है या तो उसकी कितनी फीस है क्या है, वो फीस को जमा करेगा, इसके बारे में एक स्पष्ट एक नियम बना है, उस नियम को अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये नियम है आपका सूचना का अधिकार फीस और लागत का विनिमय नियम 2005, जो कि 2012 में मतलब कुछ चेंजेस होके हुआ है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। उसके द्वारा यथाशक्ति सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और फीस के विवरण जिसके धारा उधारा के अधीन विशेष फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गई गणना होगी देते हुए उस फीस को, मतलब कहने इसके बारे में पूरा जो है वो फीस कितनी लगेगी उसके बारे में पूरा जिक्र है। नियम संख्या 8, सूचना के प्रकट किए जाने से छूट। जो कि सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है सूचना न देने के लिए, ये आपको सिद्ध करना है कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। नियम अधिनियम की धारा 8 में सूचना के प्रकट किए जाने से छूट है, इस छूट को आपको पढ़ना है, आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी 8(1) इस अधिनियम के तहत किसी भी नागरिक को सूचना देने के लिए बाध्य नहीं होगी। जैसे कि पहले लिखा हुआ है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक नागरिक को सूचना दी जाएगी, बशर्ते उस बसरते का जो है यहाँ पर है कि कौन कौन सी सूचनाएं ऐसी है जो कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नहीं दी जानी है। ठीक है, 8(1)(a). ठीक है, हम लोग इंग्लिश में भी इसको चलते हैं। देखिए हिंदी और इंग्लिश में कभी कभी शब्दों के हेर फेर हो जाता है, आपको समझना है तो आपको इंग्लिश भी साथ में पढ़ना है और इंग्लिश ही मान्य है। सूचना जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो, मतलब ऐसी कोई भी सूचना नहीं दी जाएगी जिससे भारत की प्रभुता और अखंडता या राज्य की सुरक्षा, ये जो इसमें लिखा हुआ है, या आपकी नियति ही अपराध करने की सूचना ले ले उसके बाद हम अपराध करें या उससे आप कोई नुकसान किसी को पहुंचाना चाहते हैं, तो वो सूचना 8(1)(a) के तहत नहीं दी जाएंगी। ठीक है, 8(1)(b) सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय के अभिप्राय द्वारा अभिव्यक्ति के रूप में निश्चित किया गया है या उसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है, कोई ऐसी सूचना जिसमें न्यायालय ने रोक लगाई हो या न्यायालय का अवमानना हो रही हो या मतलब जो भी है उसके संबंध में आपको सूचनाएं नहीं देनी है। सूचना जिसके प्रकटन से संसद के राज्य विधान मंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा, मतलब कोई संसद या विधानसभा कोई ऐसा विशेषाधिकार है जिसके तहत वो सूचना मतलब जो है उनका भंग हो रहा है, उनका विशेषाधिकार, वो सूचना भी आपको इस नियम के तहत नहीं देनी है। फिर डी में है सूचना जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार, गोपनीयता, बौद्धिक संपदा संधि है जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति की प्रतियोगी, मतलब कहने की ऐसी कोई सूचना जिससे कि व्यापार, वाणिज्य या उनकी गोपनीयता, ऐसी बौद्धिक संपदा है जिससे मान लीजिए दो टेंडर हुए हैं और दोनों टेंडर अभी ओपन हुए हैं या नहीं हुए हैं, आप बोलो कि इसकी सूचना हमें दे दो, उसने कितने रुपए का वो किया है, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम दूसरी चीजें दूसरों को नहीं दिखा सकते, आप इस नियम के तहत उसको मना कर दो कि ये जो है आपके व्यापार का या हमारे जो आपस में कॉन्फिडेंशियल
जो हम लोगों के एग्रीमेंट हुआ है वो आपको नहीं दिखा सकते हैं, इससे हमारे और उनके बीच में तालमेल खराब हो जाएगा, या हम या आपकी बौद्धिक जो आपके कॉपीराइट का है उल्लंघन यहाँ पे होगा, इसलिए हम आपको सूचना नहीं देंगे। किसी व्यक्ति को उसकी वैज्ञानिक नातेदारी उपलब्ध सूचना जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का वह समाधान हो ऐसी सूचना की, मतलब कोई ऐसी सूचना जो कि सक्षम अधिकारी को लगता है कि नहीं दिया जा सकता है, किसी विस्तृत लोक जो है समर्थन नहीं होता है तो उसको भी नहीं दी जा सकती है। किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त कोई विदेशी सरकार है उससे हमने कोई सूचना प्राप्त कर लिया है और अब उस सूचना कोई दूसरा मांगना चाहते हैं तो हम उस सूचना को नहीं देंगे, क्योंकि हमने उससे विश्वास में लिया कि हम अपनी सूचना आपको किसी को भी नहीं देंगे। इससे जो है 81 का जो का है ओपी ईस्वी पे लागू होता है। सूचना जिसको प्रकट करने से व्यक्ति का जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डाले गया या विधि प्रवर्तन सुरक्षा प्रयोजन के लिए विश्वास में की गई सूचना या सहायता स्रोत पहचान करेगा, मतलब कोई भी ऐसी भी सूचना जिससे किसी व्यक्ति को मतलब कोई ऐसी बात हो और वो बात सूचना के तहत बता दी जाए, उसे पता चल जाए कि ये सूचना इस व्यक्ति इस सूचना के तहत इस व्यक्ति के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा कुछ किया है, या कोई ऐसी चीजें या समझ लीजिए इसमें लिखा हुआ है कि व्यक्ति के जीवन और शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालता है, वो सूचना भी आपको इस नियम के तहत आरटीए के तहत नहीं देनी है। ये प्रत्येक सीपीआईओ एपीआईओ या प्रत्येक कर्मचारी का दायित्व है यहाँ पे समझे कि कौन सी सूचनाएं नहीं देनी है। ये सारी चीजें आप तभी समझ पाओगे जब अलग अलग कोर्ट केसों का अध्ययन करोगे या आप आरटीआई अलग अलग स्थानों पर लगाएंगे तो वहां से जो होता है वहां से भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी और प्राप्त होंगी। फिर है जा में सूचना जिससे अपराधियों के अन्वेषण पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन, कोई ऐसी सूचना जिससे कि अपराधी है कि उसको जांच में प्रभावित हो जाए या उसको पकड़े जाने में, कोई ऐसी चीजें हैं जो अपराधियों से संबंधित जानकारी है जो कि गोपनीय है और अभी तक प्रोसेस में है, वो सारी प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है, वो सूचनाएं नहीं दी जाएंगी। मंत्रिमंडल के कागज पत्र जिसमें मंत्री परिषद सचिव और प्राधिक विचार विमर्श के अभिलेख हो, मंत्रिमंडल के कागज, मंत्रिमंडल जो है अपने कैबिनेट या इस तरह से जो भी मंत्रिमंडल बैठते हैं उनके जो सचिव अधिकारी जो भी उनके विचार में सब लेख हैं, वो सारी चीजें आपको आरटीआई के तहत नहीं दी जाएंगी, ठीक। परंतु यह है कि मंत्र परिषद के विनिश्चय जिसके कार्य व सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चित किए गए थे विनिश्चित किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने से जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे, मतलब अभी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में अभी विचार विमर्श हो रहा है होना है कि नहीं होना है, तब तक नहीं उपलब्ध करवाया जाएगा। यदि वो सारी चीजें फाइनल हो जाती हैं और उससे आम पब्लिक को कोई ऐसा प्रभाव पड़ता है, आम पब्लिक लगेगा कि नहीं आपने क्या डिसीजन लिया था आप हमें बताइए आपने एक इस तरह, तो उसके बाद सूचनाएं जो है उपलब्ध कराई जा सकती है। सूचना जो व्यक्तिगत सूचना संबंधी जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियात्मक या हित के संबंध नहीं रखता है या उससे विदेश एकांत का अनावश्यक अतिक्रमण होता है जब तक कि यथा स्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य, मैंने आपसे बोला था कि ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोक प्राधिकारी को या संबंधित डीलर को जिसे हम लोग क्लर्क बोलते हैं या अधिकारी को ये समझना है कि कौन सी सूचना व्यक्तिगत सूचना है उसकी पर्सनल सूचना है, वो आपको इस नियम के तहत आपको लौटा देनी है या आप संबंधित इम्प्लाई को इसे जानते हैं या इसके बारे में सूचना मांगी जा रही है आप उसको एक चिट्ठी भेजेंगे कि आपकी सूचना इसे सूचनाएं आपके इस कर्मचारी द्वारा या इस इम्प्लाई या इस व्यक्ति द्वारा आवेदक द्वारा सूचनाएं मांगी जा रही हैं, क्या ये सूचना हम उसको उपलब्ध करवा दें या नहीं। यदि उसकी सहमत मिल जाती है तब आप उपलब्ध करवा सकते हैं, अन्यथा आप उस सूचना उसकी व्यक्तिगत सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाएंगे। ये बहुत ही ये समझिए नाजुक चीज है, ठीक है, सेंसिटिव चीज है। आप किसी भी कर्मचारी की व्यक्तिगत सूचनाएं सोच समझ कर ही दीजिएगा, अदरवाइज आपके लिए भी नुकसान हो जाएगा। यदि मैंने मांग लिया कि मुझे इस आदमी का बैंक खाता दे दो तो बैंक खाता ये मेरा है, कोई भी कर्मचारी आवेदक को मेरे बैंक के बारे में डिटेल नहीं देगा क्योंकि इसे किसी लोक प्राधिकारी या लोक पब्लिक इंटरेस्ट की चीज नहीं है, ये
मैं कितना लोन ले रहा हूँ, कितना खर्च कर रहा हूँ, कहाँ पर, एक इससे किसी को मतलब नहीं है। तो ये सारी चीजें आप कभी भी नहीं देंगे। यदि इस तरह से ऐसा लगता है आपको, आपको समझना है, तो आप जो है उसको एक चिट्ठी लिख दीजिए कि आप आवेदक द्वारा या जो भी आवेदक उसका नाम है, कि इनके द्वारा आपकी ये सूचना मांगी जा रही है, जो कि RTA इस के 81 के इसके तहत जो है, ये के तहत ये सूचनाएं, व्यक्तिगत सूचनाएं हमने माना है, आप इसका जो है क्या देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, आप अपना तो जो है क्या नाम है, आप अपनी सहमति दे, ये तो सहमति देता है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, 81 के 2 में लिखा हुआ है, 82। ठीक है, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923, यदि कोई इस अधिनियम के अंतर्गत कोई चीज आती है तो भी उसको दे नहीं है। नियम संख्या 8 का 3 है, उप धारा 1 खंड का, खंड गा और खंड झ के उपबंधों के अधीन रहते हो, किसी ऐसी घटना घटना के विषय संबंधित कोई सूचना जो उस तारीख से जिसकी धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है 20 वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा का अनुरोध करने वाले व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी। यदि कोई ऐसी सूचना है जो 20 वर्ष पुरानी भी है तो भी उपलब्ध करवाई जा सकती है, यदि उपलब्ध है तो। परंतु जहां तक उस तारीख के बारे में जिससे 20 वर्ष के उत्तर्वत को संकलित किया जाता है कोई प्रश्न उद्गोता है, तो अधिनियम के लिए उपबंधित प्रयोग अपीलों के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार को निश्चित किया जाएगा। यदि कोई ऐसी चीज है जो आपने नष्ट कर दिया है तो उसको तो नहीं करें, जो केंद्रीय सरकार के रूल है उसके तहत ही वो चीज दी जाएगी। नियम संख्या 9, कतिपय मामलों की पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार। पहला धारा 8 है जिसके तहत सूचना को आप रिजेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है नियम संख्या 9, धारा 8 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहां अस्वीकार कर सके जहां पहुंच उपलब्ध करवाने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्व युक्त प्रतिलियाधिकार का उल्लंघन अंतर्विहित है। प्रतिलियाधिकार इसका मतलब होता है, हम पढ़ लेते हैं इंग्लिश में, कभी कभी हिंदी ऐसी चीज होती है कि समझ नहीं आ रहा, ये होता है कॉपीराइट। यदि कॉपीराइट का उल्लंघन होता है तो अभी आप सूचना नहीं देंगे। ठीक है, ये नियम संख्या 9 में कहा गया है। नियम संख्या यह धारा 10, प्रतिक्रिया जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध के इस बात को अस्वीकार किया जाता है कि वह ऐसी सूचना के संबंध में जो प्रकट किए जाने से छूट है और वहां इस अधिनियम के किसी बात के होते हुए भी पहुंच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध करवाई जा सकती है जिसमें किसी निर्दिष्ट सूचना अंतर्विहित ने इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट, तो ऐसे किसी जो किसी ऐसे बात में छूट प्राप्त पृथक रूप में की जा सकती है। यदि ऐसा लगता है बहुत सारी बड़ी सूचना है और वही सूचना उसको उपलब्ध करवाई जा सकती है, पूरी सूचना उपलब्ध नहीं की जा सकती, उसको पृथक कर लीजिए, मतलब कागज से चिपका के, छिपा के, उसकी फोटो कॉपी करा के उतनी चीज आप दे सकते हैं, मतलब कहने का प्रतिकीकरण अलग कर सकते हैं उस सूचना को। जहां उपधारा 1 के अधीन अभिलेख के किसी भाग या पहुंच अनुग्रह वहां यथाशक्ति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना आवेदक की सूचना देगा। अनुरोध किए गए अभिलेख का केवल एक भाग है, उस अभिलेख से उस सूचना को जो प्रकरण से छूट है पृथक करने के उपचार उपलब्ध करवाई जा रही है वो लिखेगा। विनिश्चित के कारण अंतर्गत तथ्य के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न उस सामग्री के प्रति जिस पर वे निष्कर्ष आधारित निर्देशों कोई निष्कर्ष हो तो विनिश्चित करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम, उससे संगठित फीस के विवरण के बाद जो मतलब कि कोई फीस लगती है तो फीस भी उससे ली जाएगी। ये सारी चीजें हैं और वही मैंने बोला कि पर व्यक्ति सूचना 81J के तहत जो आती है सूचनाएं थर्ड पार्टी है उसके बारे में नियम संख्या 11 में पूरा डिटेल दिया गया है कि उसको कैसे आपको हैंडल करना है। नियम धारा 11 के 1 में जहां यथास्थिति किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का इस अधिनियम के अधीन किए हुए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आवश्यक है जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके इसका प्रदाय किया गया है और व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है,
उस व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है वहां स्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने के 5 दिन के भीतर ऐसे व्यक्ति को अनुरोध के उस तथ्य के लिखित रूप में सूचना देगा कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या उच्च सूचना या अभिलेख जिसके विभाग को प्रकट करने का आशय है इस बारे में सूचना प्रकट की जानी या नहीं लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति के आमंत्रित करेगा। सूचना के प्रकरण को निश्चित करते समय व्यक्ति के आवेदन को ध्यान में रखा गया, परंतु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्य गुप्त वातन सिवाय ऐसे प्रकरण लोकहित ऐसे पर व्यक्ति के हितों के किसी संभावित अपहान या क्षति के महत्वपूर्ण को नहीं करेगा। मतलब कहने का यदि सूचना मैंने बोला कि थर्ड पार्टी से है, ये थर्ड पार्टी सूचना कहलाती है, तो उसको 5 दिन के भीतर वो इम्प्लाई के पास उसके संबंधित जो जिससे संबंधित है उसको सूचना दे देगा कि भाई आपकी सूचना मांगी जा रही है, आपको जो भी कहना हो आप लिखित में मौके में कह दीजिए, उसके अनुसार सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। ये आप इसको और थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो यही है, इसके बारे में आपको केंद्रीय सूचना आयोग राज्य सूचना आयोग बहुत सारी चीज लिखी हुई है, लेकिन आपके लिए मेन यही है, इतना 11 नंबर तक आपको पढ़ना है। उसके बाद एक और चीजें हैं आपकी, जो मैंने बोला कि नियम है सूचना का अधिकार फीस और लागत का विनिमय नियम 2005, इसमें जो सूचना अधिकार नियम बना उसी के तहत जो फीस लगेगी उस फीस के बारे में बताया है, ठीक है, उसके बारे में पूरा डिटेल है कितनी फीस लगेगी क्या नहीं, उसके पहले हम पढ़ेंगे। प्रथम अपील प्राधिकारी, जो प्रथम अपील प्राधिकारी है वो कौन होगा, से लोक प्राधिकारी का ऐसा अधिकारी उपयुक्त है जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी से रैंक में श्रेष्ठ है, जिससे समझ धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन अपील की जा सकती है। मतलब कहने का जो प्रथम अपीलीय अधिकारी होगा, जो केंद्रीय लोक सूचना आयोग अधिकारी होगा, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, उससे रैंक में श्रेष्ठ होगा, सीनियर होगा रैंक में, जो जिसके समक्ष जो है धारा 19 की उपधारा 1 के तहत अपील की, जिससे अपील करना हो वो CPIO से ऊपर रैंक का होगा, ये लिखा हुआ है। आवेदन फीस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन आवेदन के साथ ₹10 की फीस संलग्न होगी। अब देखिए यहां भी लिखा है अधिनियम की धारा 6 की उपधारा, यहां हम अधिनियम की धारा 6 पे जाते हैं, अधिनियम की प्राप्त करने का अनुरोध, उसके ये लिखा है कि ऐसे राजभाषा ऐसे फीस के साथ जो भेद की जाएगी, इस फीस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ इस नियम में, इसमें लिखा हुआ है किसी ₹10 की फीस संलग्न होगी, साधारण उसमें उपबंधों को छोड़ के केंद्रीय लोक सूचना के आवेदक का पता निर्दिष्ट करते हुए 500, जो कि 500 शब्द से ज्यादा नहीं होगा एक एप्लीकेशन में, परंतु किसी आवेदन को इस आधार पर नामंजूर नहीं किया जा सकता उसमें 500 से अधिक शब्द है। मतलब इसको रिजेक्ट भी नहीं किया जा सकता, आप 500 का जवाब दे दीजिए, उसी हिसाब से आप जवाब दीजिए, लेकिन आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। सूचना उपलब्ध करवाने के लिए फीस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 4 और 7 की उपधारा 1 और उपधारा 5 के अधीन जो है जो दरें ली गई हैं वो है। अब हम अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 4 में आते हैं। चार की उपधारा 4, सभी सामग्रियों को लागत प्रभाव से स्थानीय बाजार क्षेत्र सब्जियों की पद्धति को ध्यान रखते हुए प्रभावित किया जाएगा। मतलब जो भी फीस है देखिए यहाँ पे उसी तहत जो है जहां जहां फीस का है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, धारा क्षेत्र 7 में है और उपधारा 1 और 5 में है। A3 उसे छोटे आकार के प्रत्येक प्रश्न के लिए ₹2, बड़े आकार के कागज फोटोग्राफी के लिए ₹3, ये आप इसको पढ़ लेंगे, ये फीस लगेगी कैसे कितनी लगेगी इसके बारे में ये है। फीस के संदर्भ से छूट, इसमें लिखा है कि कुछ लोग ऐसे भी होगा जिनसे फीस नहीं लेनी है, वो कौन है, नियम 3 और नियम 4 के अधीन ऐसे किसी व्यक्ति से कोई फीस प्रभावित नहीं की जाएगी
जो गरीबी रेखा के से नीचे का हो, परंतु यह तब तक इस व्यवस्था समुचित सरकार द्वारा, मतलब गरीबी रेखा से नीचे तक जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनसे आपको फीस नहीं लेनी है। और फीस किस ढंग में लेनी है वो बोला गया है इस नियम की धारा 6 में, ठीक है। यथास्थित लोक प्राधिकारी को अथवा लोक प्राधिकरण के केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी को नगद रूप में उसके समुचित रसीद, जहां भी आप जा रहे हैं जहां पर रसीद के साथ आप पैसा दीजिए और रसीद ले लीजिए। रसीद लगभग रेलवे में जो है आप बुकिंग ऑफिस में ही देते हैं, क्योंकि कोई भी ऑफिस में सामान्यतः दूसरे ऑफिस में कोई भी रसीद नहीं रखता है, इसलिए जो आपके बुकिंग ऑफिस से स्टेशन पे हैं आप वहां भेज दीजिए, बोलिए आप वहां पे पैसा जमा करिए और रसीद ले लीजिए। लोक प्राधिकरण के लेखाधिकारी, देखिए लोग जो है हमें पोस्टल आर्डर या कोई भी इस तरह से जो है पैसा डीडी जैसे भेजते हैं, तो लोग लेखा अधिकारी के नाम से भेजा जाएगा, ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर, ये जो है लेखा अधिकारी के नाम से रहेगा, ना कि सीपीआईओ के नाम से। लोक प्राधिकार के लेखाधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक्स, मान लो यदि इलेक्ट्रॉनिक से देना चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक से दे सकते हैं लेखाधिकारी के उस पे नाम से। मतलब कहने का ये आपके बारे में फीस के बारे में लिखा गया है, जिसके तहत आप आवेदन लौटा भी देते हैं कि ये प्रॉपर आपका जो पोस्टल आर्डर है या बैंकर चेक है ये प्रॉपर हमारे पास उपलब्ध नहीं, आप लोक प्राधिकारी मतलब लेखाधिकारी के नाम से नहीं किए हैं, जिसकी कि प्रत्येक कार्यालय में इसकी सूचना रहती है कि कौन किसके नाम से पोस्टल आर्डर बनेगा या ड्राफ्ट बनेगा, वो बाकायदा पहले से सब जगह इसका प्रचार प्रसार किया जाता है, ठीक। ये आपका है हो गया है आरटीआई। इसके अलावा आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, इस अधिनियम को पढ़िए, इस एक्ट को पढ़िए, arti.gov.in एक वेबसाइट है, आप इसको पढ़िए, इसको पूरा हर भाषा में और अलग अलग पूरे एक्ट के बारे में लिखा हुआ है। और भी जानकारी चाहिए आप तो CIC की वेबसाइट में भी जाके आप CIC.gov.in यहाँ पे आपके दोनों वेबसाइटें हैं, इन दोनों वेबसाइटों को आप ओपन करेंगे और RTI के बारे में आप बहुत सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा मेरे वीडियो में कमेंट्स करेंगे यूट्यूब में, आप मैं आपको वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप इस RTI एक्ट को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें कि आपके लिए एग्जाम के बाद भी और एग्जाम के पहले भी आपके काम आता रहेगा। धन्यवाद।